अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड में दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 11 लोगों को सरकार में दायित्व दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट को बड़ा दायित्व मिला है और भट्ट को सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। विनोद उनियाल को राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता समिति में उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्याम वीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राजकुमार को उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा विश्वास डाबर, देवेंद्र वसीम, श्याम वीर सैनी, दीपक मेहरा, विनोद रोहिला, उत्तम दत्ता, दिनेश आर्य और गणेश भंडारी को भी सरकारी दायित्व मिले हैं। अल्मोड़ा के बिनसर तक बाघ पहुंच गया है। अल्मोड़ा में बाघ एक बार फिर से दिखा और इस बार तो वन विभाग ने भी अल्मोड़ा के जंगलों में बाघ होने की खबर की पुष्टि कर दी है। यही नहीं, इस बार वीडियो भी खुद बनाया है। अल्मोड़ा के डीएफओ ने ही अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और इस बार बिनसर के जंगल में बाघ नजर आया, जो कि जंगल के अंदर की रोड को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। यही बाघ कुछ दिन पहले जागेश्वर में नजर आया था। वन विभाग के मुताबिक यही बाघ जागेश्वर के पास चौकिया थल में नजर आया था। रात में मुझे, मैं बिनसर सेंचुरी में था, लगभग 7 बजे वही टाइगर उस क्षेत्र से, वृद्ध जागेश्वर क्षेत्र से बिनसर होते हुए ताकुला की ओर जाते हुए मेरे गाड़ी के आगे से क्रॉस हुआ फॉरेस्ट रोड में। तो मुझे उसके डायरेक्शन से लगा कि वो ताकुला होते हुए एरा देवी रानीखेत रामनगर की ओर जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लगता है कि उसका आना जाना रहता है इस क्षेत्र में। नैनीताल के पास भीमताल में बाघ को मारने के आदेश पर हाईकोर्ट और ज्यादा सख्त हो गया और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सख्त लहजे में चेतावनी दी है हाईकोर्ट ने। वन विभाग ने 9 दिसंबर को ट्रैकुलाइज और 10 दिसंबर को बाघ को आदमखोर घोषित कर शूट के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया और वन अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया था। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा है कि बाघ को मारने के आदेश कैसे दिए गए, जब ट्रैकुलाइज किया जा सकता है तो बाघ को मारना क्यों था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर घर का एक बच्चा बिगड़ जाए तो क्या गोली मार दोगे। साथ ही वन विभाग को एक हफ्ते बाद जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के इंसानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में ही पूरे राज्य में 16 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में गांव-गांव ग्रामीण दहशत में हैं। अब इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली के साथ ही कोटद्वार के चरेख में भालू का आतंक तो अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक है। वहीं नैनीताल के भीमताल और धारी ब्लॉक के करीब 1.5 दर्जन स्कूल बाघ के डर से 2 दिन से बंद हैं। सर्दियां शुरू होने के साथ ही जंगली जानवरों के हमलों में तेजी आ चुकी है। पिछले 2 महीने में जंगली जानवरों के हमलों में 16 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके सीजनल कारण हैं। एक सीजनल वेरिएशंस होते हैं मूवमेंट में एनिमल के, और साथ ही में मेटिंग सीजन का भी कुछ एनिमल्स का ओवरलैप होता है यहाँ पे। तो स्पीसीज लेपर्ड है या टाइगर है, वो थोड़ा सा एग्रेशन उनका दिखता है यहाँ पे। जंगली जानवरों के बढ़ते हमले से सरकार भी चिंतित है। वन मंत्री ने अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे इलाकों के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं जहाँ पर जंगली जानवरों का मूवमेंट ज्यादा होता है, जिसमें जंगलों की कैरिंग कैपेसिटी तय किया जाना भी शामिल है। मैंने कल भी फॉरेस्ट अफसर के साथ बैठक करने के बाद एक तो निर्देश दिए थे कि अभी वो पूरी तरह से ये कैरिंग कैपेसिटी की एक बार दिखवा दें, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर वहां पे है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, ताकि स्वच्छंद होकर के ये अपने एरिया में घूम सके। 2023 में जंगली जानवरों के हमले के मामले में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग गुलदार तो 16 लोगों की मौत बाघ के हमले में हुई है। सांप के काटने से भी 25 लोगों की जान गई है।
लिहाजा जंगली जानवरों से निपटने के लिए जल्द ही कोई ठोस प्लान बनाना जरूरी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कॉर्बेटेश्वर पार्क का ढीला गेट एक बार फिर से ग्रामीणों ने वहां पर धरना दिया है। यहां ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर धरना दिया, जहां उन्होंने पार्क का प्रशासन और साथ ही सरकार से मांग की है कि बाघ द्वारा घायल अंकित का समुचित इलाज करवाया जाए और बाघ से घायल अंकित को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही बाघ द्वारा मारी गई महिलाओं के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए और हमलावर बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मैं कह रहा था यहाँ बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, आए दिन जो है घटनाएं बढ़ रही हैं और दो महिलाओं को बाघ के द्वारा मारा गया। एक अंकित है जो कि बहुत बुरी हालत में जीवन और मौत का संघर्ष लड़ रहा है और उसको विभाग ने केवल 50,000 रुपये दिए हैं और उसका जो इलाज का खर्चा कम से 25 लाख रुपये आ रहा है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी की मौत के मामले में सस्पेंड चल रहे दो पटवारियों की सेवा को बहाल कर दिया गया है। हालांकि दोनों की अगले 3 साल तक सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। डीएम आशीष चौहान ने बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं। भंडारी की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर दोनों पटवारियों को सस्पेंड किया गया था। दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच हुई थी, इसमें वो दोषी पाए गए, लेकिन अब उसकी सेवा बहाल कर दी गई है। अंकिता मामले की बात करें तो अब तक मामले में ट्रायल ही चल रहा है। आवारा जानवर वैसे तो हर शहर के लिए समस्या है, लेकिन हल्द्वानी की सड़कों से इनका सफाया हो रहा है। आखिर कैसे हो रहा है ये काम, देखिए रिपोर्ट में। सड़कों पर लड़ते ये सांड आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी नगर निगम की ये गाड़ियां दिन रात इन्हें पकड़ने के लिए भी दौड़ रही है। जहां से भी इन्हें कॉल मिल रही है और ये एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती है और फिर कुछ इसी अंदाज में आवारा सांडों को उठा दिया जाता है। तो इसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाएं होती है जिससे लोगों की जाना जाती है, काफ़ी लोगों को चोटिल हो चुके हैं, तो लोगों की जाने चले गए। इस चक्कर में ये प्रशासन के द्वारा इनको गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है। हल्द्वानी में आवारा सांडों को लेकर हाईकोर्ट सख्त है, ऐसे में नगर निगम और प्रशासन की टीमें रात दिन इन सांडों को काबू करने में जुटी है। अभी तक हमने लगभग 300 जानवर रेस्क्यू कर लिए हैं जो कि विभिन्न बाड़ों में भेज दिए गए हैं, क्योंकि नगर के निगम में ऐसा रहता है ट्रैफिक चलता है और लोगों के खेतों को भी काफ़ी नुकसान करते हैं, तो इसको देखते हुए ये बहुत जरूरी हो गया कि नगर की सड़कों को और क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए आवारा जानवरों से। दरअसल हल्द्वानी आवारा जानवरों का हब बन चुका है और यहाँ आसपास से किसान अपने बेकार जानवरों को शहर की सड़कों पर छोड़ देते हैं जो बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून में आंदोलन कर रहे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ को सीएम ने राहत दे दी है और करीब 5 मांगों पर शासन ने मंजूरी दे दी है। नाबालिग लड़की से दुराचार करने पर पुलिस ने पिथौरागढ़ के युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी को मुरादाबाद से पकड़ा गया। विकासनगर के डाकपत्तर में भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे और ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया। कांग्रेस कमेटी पचवादून जिला अध्यक्ष ने विकासनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। पौड़ी के कलजी खाल ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प रथ को भेजा गया जिसमें कई योजनाओं की जानकारी दी गई। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी ने आपदा प्रबंधन को लेकर पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। चमोली में बागवानी करने वाले किसानों के लिए उद्यान विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किसानों को बीमा से लेकर बागवानी के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में SSG यूनिवर्सिटी को ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति के कई विषयों को लेकर वार्ता हुई जिसमें उच्च शिक्षा और रिसर्च को लेकर MOU साइन हुआ। रुद्रप्रयाग के जकोली ब्लॉक के मयाली गांव में इस समय रामलीला का मंचन हो रहा है, इसमें अंतिम दिन प्रभु राम का राजी तिलक किया गया। रुद्रप्रयाग के पुनाड़ गांव समेत कई क्षेत्रों में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ लग रही है। पिछले
पांच सालों में स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं और राज्य के 600 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। विपक्ष तो इसे लेकर सवाल उठाता रहा है और अब बीजेपी विधायकों ने भी सवाल उठाया तो शिक्षा विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। दस हजार करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार ने इस साल शिक्षा विभाग के लिए दिया था ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छा फर्नीचर, शौचालय, बिजली, पानी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। लेकिन आज भी हालात ये हैं कि 30% से ज्यादा स्कूलों में टूटे टेबल और कुर्सियां पड़ी हैं। ऊपर से अब तो बीजेपी विधायक भी कहने लगे हैं सिर्फ दीवारों पर पेंट करने से स्कूल स्मार्ट नहीं होंगे, स्कूलों की हालत को सुधारने की दरकार है। उसके बाद जो बच्चा अंदर जाता है जहाँ उसको 5-6 घंटे 7 घंटे तक रहना होता है, उन स्कूलों की हालत जर्जर है। वहाँ पर कहीं लेंटर टूट रहा है, पानी टपक रहा है, तो कहीं प्लस्तर नहीं है, तो कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो जब हम चाइल्ड फ्रेंडली सिटी की बात करते हैं और उस चाइल्ड को मैक्सिमम समय उस स्कूल में रहना है तो उस स्कूल का वातावरण भी ठीक। वहीं विपक्ष के निशाने पर सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री हैं। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री तो सिर्फ दूसरे राज्यों में चुनाव में ड्यूटी को लेकर उत्सुक रहते हैं ताकि उनके नंबर बढ़ जाएं, क्योंकि वो सीएम पद की रेस में शामिल होना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री तो अधिकांश समय तमाम राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें ड्यूटी में लगे रहते हैं। न उनको स्वास्थ्य की चिंता है, न उनको शिक्षा की चिंता है, उनको केवल चिंता यह है कि किस प्रकार से उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाए और वो अपने नंबर बढ़ाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में वो हमेशा शामिल रहे। स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, क्लासरूम में कबाड़ भरा हुआ है, वॉशरूम तो सिर्फ नाम के हैं। ऐसी परिस्थिति में आज के नौनिहाल पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे का भविष्य राम भरोसे ही होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर इलाकों में अब आर्मी और आईटीबीपी के साथ ही पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी और इसके लिए पुलिस की 10 नई चौकियां खुलने जा रही हैं। 5 जिलों में ये नई चौकियां खुलेंगी। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। पिथौरागढ़ जिले में गुंजी थाने में 6 नई चौकी होगी तो वहीं धारचूला में दुग्ध चौकी, जबकि मुनस्यारी थाने में लीलम चौकी नई खुलेगी। तो बॉर्डर से जो है कई बार जो है ऐसे इश्यूज़ जो है सेंसिटिव इश्यूज़ आते हैं, जैसे ट्रैफिकिंग और बाकी एनडीपीएस और तमाम, तो पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। लेकिन चौकी प्रस्तावित होने से हमको मैन पावर्स, इक्विपमेंट्स, बाकी सारी चीजें मिलती है। तो हमेशा से ही जो है हमारे यहाँ पूर्व में भी जो है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में पूर्व में भी बॉर्डर पे कई हमारी पहले से कई चौकियां बनी हुई है, तो ये एक एडिशनल फिर से अभी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। विकास नगर के जगत ग्राम बाढ़वाला में अश्वमेघ यज्ञ स्थल तक सड़क नहीं होने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि अश्वमेघ यज्ञ स्थल तक जाने वाली रोड कच्ची है, जिसकी वजह से इस ऐतिहासिक यज्ञ स्थल तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते। न्यूज 18 की खबर के बाद पीडब्ल्यूडी, उद्यान विभाग, राजस्व विभाग और एएसआई विभाग की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची, जहां पर रोड को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए नपाई की गई। जल्दी इसका एक एस्टिमेट तैयार करके पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बल्कि आपका भी करता हूँ, क्योंकि आपने ही लगभग एक सप्ताह पूर्व इसको प्रमुखता से उठाया था, तब जाकर शासन प्रशासन आज यहाँ पर मौजूद है। स्थल है लगभग 5000 साल पुराना है और आर्कियोलॉजिस्ट टीम और राजस्व की टीम और वन विभाग की टीम और हॉर्टिकल्चर सब लोग आए हैं आज। तो इस सड़क का जो वहाँ तक जानी है इसका जो है इसके विषय में बातचीत हुई है। कोटद्वार में यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर बनी आरटीओ की कौड़िया चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। हाल ही में इसी चेक पोस्ट पर 2 विवाद हो चुका है। पहला विवाद बीजेपी विधायक और एक परिवहन अधिकारी के बीच हुआ था, वहीं दूसरा विवाद परिवहन विभाग के 2 सिपाहियों के बीच हुआ। हालांकि मामले में आरटीओ कोटद्वार का कहना है कि सचल दल के पास गाड़ी नहीं होने के चलते कौड़ियों के पास चेक पोस्ट बनाया गया था, लेकिन अब कोटद्वार में सचल दल को गाड़ियां मिलने जा रही हैं। ऐसे में अब आरटीओ की चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए चेक पोस्ट के बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं।
चेक पोस्ट हमारा लगभग एक साल पहले से उनकी जगह पे सचल दल का गठन हुआ है। सचल दल का गठन होने के बाद हमारे जो सचल दल में कार्मिक अधिकारी हैं उनके पास अभी तक कोई वाहन नहीं था, तो वाहन अब हम लोगों को अलॉट हो गया है, एक दो दिन में वो यहाँ आ भी जाएगा। तो सचल दल जो है वो वाहन में चेकिंग करेगा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।